आप लोग देख सकते हो कितने तेजी से आग लग गई है, भयानक आग। और अभी तक जो फायर ब्रिगेड आने का नामो निशान तक नहीं है। एक आए हैं तो उसमें पानी तक बहुत ही कम थे, पानी बिल्कुल थे ही नहीं। और आग देखिए, और हमारे घर बिल्कुल आग जिधर पे लगी उसे पीछे का साइड है, मतलब वॉल है एक और वॉल के ठीक उस पार में हमारी घर है। तो इधर पे तो बहुत सारे घर भी जल गए हैं, 3-4 ऑलरेडी जल गए हैं ऐसा सुनने को मिल रही है। जीजा ने कि सिलेंडर नहीं पाला अच्छे, ঝলকাটা উঠছে। এর ভেতরে না যে যার এখানে সিলিন্ডার বের করে নিয়েছে না বিল্ডিং तो गाइस भयानक आग लग गई है हमारे घर की, एक दो घर मतलब डिस्टेंस में भयानक, मतलब मर जाने वाली, लोग भाग रहे थे। हम लोग सारे ना गैस की सिलेंडर वगैरह घर का मेन लाइन ऑफ करके, मतलब कैसे कैसे आज का दिन गुजरा ना मैं आप लोगों को बोल के बयान नहीं कर सकती हूँ, इतना खौफनाक भयानक दिन गई आज। और आप लोग अगर वेस्ट बंगाल से हो, कोलकाता से हो, तो आप लोगों को 24 घंटा न्यूज़ चैनल में भी दिखने को मिल जाएंगे। तो हमारे घर से एक दो घर डिस्टेंस में एक वॉल है, और वॉल के उस पार में ना एक बड़ा सा कारखाना है, मतलब बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा, उसमें कार की फैक्ट्री है, मतलब कार रिपेयर करते हैं, उसके बाद कार की जो पार्ट्स होती है वो बनाते हैं। फिर उधर पर और भी बहुत सारे कारखाना है, बहुत ही बड़ी कारखाना है, 2-3 एरिया लेके वो वाला कारखाना है। तो हमारे घर से 2-3 घर छोड़ के है। तो उस पार पे कैसे भी करके हो आग लग गई, और इतना भयानक आग लगी, घर वगैरह उधर पे जो छोटे छोटे घर होते हैं ना, तो वो तो जल गए, 3-4 घर जल गए। फिर फायर ब्रिगेड आए, 6-7 फायर ब्रिगेड आए, अभी भी है घर के बाहर हमारे पास में। पूरा एरिया में ना सब रोने लग गए, भागने लग गए अपने अपने बच्चे को लेके, सारे बिल्डिंग से लोग नीचे उतर गए, मतलब इतना फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने ऐसा कुछ देखा कि इतने आग अपने आंखों के सामने। और फिर मुझे ऐसा मतलब धुआं वगैरह इतना ज्यादा आ रहे थे, मतलब आग की जो होती है ना गर्माहट वो लग रही है, ताप हम लोगों को लग रही है, हम भी रोने लग गए। फिर डॉलर को कैसे रखूं, डॉलर भी चीख रहे हैं डर के मारे, इतने ज्यादा लोग हमारे आसपास में मतलब भर गए थे। फिर जैसे भी करके हो फायर ब्रिगेड आए, बहुत देर तक ये चली, मतलब दोपहर के 2-2.5 बजे से लेके अभी शाम के तक। और CSC से मेन लाइन बिल्कुल ऑफ हो गए थे हमारे घर का, हमारा पूरा एरिया का मेन लाइन जो है ऑफ हो गए थे। फिर हम घर से भी अंदर से भी ऑफ कर दिए थे मेन लाइन, गैस के सिलेंडर वगैरह जो सब कुछ बंद करके बाहर कर दिए थे। पूरा एरिया में लोग सारे सिलेंडर वगैरह बाहर कर दिए, कार जिसका बाइक कार जो भी कुछ थे ना सब कुछ इधर उधर कर दिए, ताकि जितना सेफ हो सके हम लोग। और जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, कोई कपड़े मतलब जो भी जिसका सामान है सब लेके भाग रहे हैं।
मतलब इतना डरावना सिचुएशन। हम मैं सोच रही थी मेरे इतने सारे पेट्स को मैं कैसे लेके भागू, क्या करूँ, घर पे रहूंगी तो मर जाऊंगी, मतलब जान ना ऐसे हाथ में आ गए थे कि, और अगर थोड़ी सी इधर उधर हो जाते ना तो खेल खत्म हो जाती, क्योंकि आम के पेड़ वगैरह सब कुछ थे। और आज के दिन 41-42 डिग्री शायद आज गर्मी है, बहुत लू चल रही है बाहर और उतनी मतलब गर्म गर्म हवा भी आ रही है, और हवा की वजह से ना पूरा आग इस तरफ हमारे इधर पे आ रहे थे। तो जो भी हो बहुत ही बुरा दिन गुजरा, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ को शेयर की, आप लोगों को दिखाई भी दिया हुआ वीडियो में, बहुत ही बुरा था, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो चलिए गाइज मिलते नेक्स्ट।